श्रोमणी अकाली दल एक होर वड्डा झटका भाजपा वालों अज दे दिता गया है। साबका अकाली आगू सरबजीत सिंह मक्कड़ भाजपा दे विच शामिल हो चुके ने। साबका अकाली आगू रहे ने जलंधर कैंट तो टिकट ना मिल करके पार्टी दे नाल अनबन रही है ते हुण भाजपा की बांह फड़ लैण तो बाद दावा किया गया कि जलंधर कैंट तो दावेदारी उस तरह रखी जाएगी। इस दे नाल एक होर वड्डा चेहरा पंजाब दा साबका डीजीपी सरबजीत सिंह विरक भी भाजपा दे विच अज शामिल हो गए ने। दिल्ली दे विच भाजपा दे विच शमूलियत की है। इन्हां प्रमुख चेहरियां ने सरबजीत सिंह विरक समेत सरबजीत सिंह मक्कड़ अते होरना कई प्रमुख शख्सियतां वल्लों अज भाजपा की बांह फड़ ली गई है। दिल्ली दे विच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी दे विच भाजपा दे विच शमूलियत करवाई गई है। लगातार सियासत दे विच भाजपा वल्लों हुण सरगर्मी दिखाई जा रही है। पंजाब दे विच तीन खेतीबाड़ी कानून रद्द किए जाने तो बाद पंजाब दे विच चोणां आउण वालियां ने ते अपनी दावेदारी ठोकी जा रही है। भाजपा वल्लों नवें पंजाब की गल की जा रही कि नवा पंजाब भाजपा विचों ही मिलेगा ते हुण लगातार अकाली दल दे आगू भाजपा दे विच शामिल हो रहे हैं। बीते दिन ही मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल होए सन, परमिंदर बराड़ शामिल होए सन ते हुण एक होर अकाली आगू साबका अकाली आगू सरबजीत सिंह मक्कड़ भी भाजपा दे हो गए ने। अकाली दल दे नाल नाता तोड़ दिता है। लगातार गठजोड़ टुटन तो बाद श्रोमणी अकाली दल नूं झटके दिते जा रहे ने भाजपा वल्लों ते खास करके खेतीबाड़ी कानून रद्द किए जाण तो बाद पंजाब दे विच होर भी पक्की दावेदारी ठोकी जा रही है भाजपा वल्लों। तो अज दिल्ली दे विच भाजपा दे विच शामिल हो गए ने सरबजीत सिंह मक्कड़, सरबजीत सिंह विरक ते होरना कई प्रमुख शख्सियतां ने, सिख चेहरे ने। लगातार पंजाब दी सियासत दे विच सिख चेहरियां नूं अपने वल खिंचण दा जतन भाजपा वल्लों किया जा रहा है। मनजिंदर सिंह सिरसा शामिल होंदे ने, परमिंदर बराड़ शामिल होंदे ने ते हुण सरबजीत सिंह विरक साबका डीजीपी रहे ने पंजाब दे अते लगातार सियासत दे विच वी अते लगातार पंजाब दे नाल जुड़े रहे ने। इस दे नाल ही केंद्र सरकार दे नाल वी कई मामलों नूं लै के उन्हां वल्लों सलाह दित्ती जांदी रही है, सलाह कर रहे ने ते हुण भाजपा दा पल्ला फड़ लिया है। इन्हां दो नामां तों इलावा होर वी कई चेहरे ने जो कि सिख चेहरे दे वजों भाजपा दे विच शामिल होए ने। भाजपा वालों शमूलियत करवाई गई है क्योंकि पंजाब विधानसभा चोणां तों पहलां भाजपा वालों खास तौर पर पंजाबियां ते सिखां दा दिल जित्तण दी हर कोशिश हुण कीती जा रही है क्योंकि चोणां नूं बहुत थोड़ा समा बाकी रह गया। पहलां तीन खेतीबाड़ी कानूनां करके भाजपा दे नाल तिखी अणबण रही है, किसानां दी संघर्ष अजे भी जारी है, पर हुण कानून रद्द किए जाने तो बाद जिस तरह दल बदलियां हो रही ने, जिस तरह भाजपा दे विच सिख चेहरे नूं शामिल किया जा रहा है, जिस तरह वड्डे वड्डे दावे ठोके जा रहे ने, उस तरह हुण सियासत दे विच हलचल तेज़ कर दिती है भाजपा ने। तो अज भी कई मुख चेहरे भाजपा दे विच शामिल हो गए ने। सरबजीत सिंह विरक अते सरबजीत सिंह तो इलावा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के साबका चेयरमैन अवतार सिंह जीरा, सनतकार हरचरण सिंह रणौता भी भाजपा दे विच हुण शामिल हो गए ने। इन्हां दे नाल ही होर भी कई चेहरे देखे जा सकते ने जो कि भाजपा दे विच शमूलियत करवाई गई है, जिन्हां दी भाजपा दे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हां दा स्वागत करदे हुए नजर आ रहे ने। दिल्ली दे विच इस समागम करवाया गया जिस दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ते भाजपा दे विच शमूलियत करदे हुए सरबजीत सिंह विरक वल्लों सरबजीत सिंह वल्लों वड्डे दावे भी किए गए। इस दे नाल ही अंदरूनी सुरक्षा दे मामलों दे विच केंद्र सरकार दे सलाहकार भी रहे ने। कई मौकियां ते केंद्र सरकार दी मदद की गई है, उन्हां वल्लों सुरक्षा मामलों दे माहिर मन्ने जांदे ने सरबजीत सिंह विरक। दस दिए कि पंजाब ते महाराष्ट्र दे साबका डीजीपी रहे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीबी मन्ने जांदे रहे ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे करीब रहे ने ते हुण जद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भाजपा दे नाल गठजोड़ करन दे लई पूरी तरह तैयार ने तां उस समें अजिहियां दल बदलियां लगातार जारी ने अते पंजाब दे विच भाजपा वल्लों हुण मजबूत होण दा दावा किया जा रहा है। क्योंकि जेकर सरबजीत सिंह मक्कड़ की गल करिए श्रोमणी अकाली दल दे मैंबर रहे ने, सीनियर आगू रहे ने, इस दे नाल ही जलंधर छावनी की टिकट नूं लैके पार्टी दे नाल उन्हां दी अनबन रही है, पार्टी दे नाल इस मसले नूं लैके बहस रही है क्योंकि इस तों पहलां जलंधर छावनी सीट तो चोण लड़ चुके ने सरबजीत सिंह मक्कड़। पर इस बार श्रोमणी अकाली दल वल्लों जगबीर सिंह बराड़ नूं जलंधर छावनी तो उम्मीदवार ऐलानिया गया है अते उदों तों ही आखिया जा रहा है कि मक्कड़ पार्टी तो नाराज़ चल रहे ने अते उस तो बाद हुण भाजपा दे विच शमूलियत उन्हां वल्लों कर ली गई है ते श्रोमणी अकाली दल नूं इक होर वड्डा झटका लग्गिया है क्योंकि इन्नी दिनी सुखबीर सिंह बादल भी जलंधर दे दौरे ते ने। तां लगातार इहो जिहे सवाल जद वी पुछे जांदे ने श्रोमणी अकाली दल नूं तां उन्हां वल्लों
दावा भी किया जाता है कि भाजपा वालों जद तो गठजोड़ टुटिया है श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा दा, भाजपा वालों श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवारां नूं मैंबरां नूं धमकियां दित्तियां जा रही ने, डराया जा रहा है, डरा के उन्हां वालों शमूलियत करवाई जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा दे मामले दे विच वी इही बयान दित्ता गया सुखबीर सिंह बादल वालों, अते हुण इक होर सीनियर आगू ने भाजपा दी बांह फड़ लई है, तां श्रोमणी अकाली दल दे लई इह वड्डा झटका साबित हो सकदा है। दिल्ली दे विच भाजपा दे पंजाब इंचार्ज अते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दी हाजरी दे विच इन्हां प्रमुख चेहरियां नूं पार्टी दे विच शामिल कीता गया। इस मौके ते बोलदिआं सरबजीत सिंह विरक अते सरबजीत सिंह मक्कड़ वालों भाजपा पार्टी दे गुणगान भी गाए जा रहे ने। इस नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी सिफत कीती जा रही है, उन्हां दीआं तारीफां भी कीतीआं जा रहीआं ने। इस मौके ते सरबजीत सिंह मक्कड़ वालों इह भी दावा कीता गया कि उह जलंधर कैंट सीट तों चोण लड़न दे लई उन्हां दा दावा मजबूत है, ते पार्टी ने भी इस दे लई हां कर दित्ती है, अते जल्दी जलंधर दे विच इक वड्डा प्रोग्राम करके अपने साथियों नूं वी उह भाजपा दे विच शामिल करवाउणगे। ते इस मौके ते बोलदिआं सरबजीत सिंह विरक वालों होर की कुछ आख्या गया, पंजाब दे साबका DGP वालों की कुछ आख्या गया है, अते किस तरह भाजपा वालों शमूलियत करवाउंदे समें इह बयान दित्ता गया कि हुण पंजाब दे विच भाजपा पार्टी मजबूत हुंदी जा रही है, की कुछ आख्या गया है, आओ सुणदे हां। ऐसे सारे प्रोमिनेंट लोगों के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुंभ में सम्मिलित होने का निर्णय करने से भारतीय जनता पार्टी की न केवल ताकत बढ़ी है, शक्ति बढ़ी है, ऐसा हमारा सामर्थ्य बढ़ा है। अभी तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक नया उत्साह संचरित हुआ है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक नया इतिहास बनाएगी। इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब की बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक जो है नया इतिहास बना करके वहां से आए। धन्यवाद। मेरा वेद साहब से आग्रह है के साथियों को संबोधित कर ऊपर कर लो जी ऊपर सारी वर्ल्ड नूं बड़ा वड्डा मान है।
नरेंद्र भाई जी मोदी साहब ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी देश के लिए लगाई। आदरणीय शेखावत साहब बैठे हैं, इन्होंने आज हमें इस पार्टी में लाकर मान बख्शा। इस मान की हमें बहुत खुशी है। वाजपेयी साहब का मैंने जीवन देखा था, जिन्होंने हर हिंदू सिख को एक किया था, तो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने सबको एक करके दिखा दिया। हम किसानों के भी नुमाइंदे हैं, किसानों के साथ लगातार हम उनकी मदद में रहे हैं। और मैंने ध्यान रखा था जिस दिन नरेंद्र भाई मोदी साहब ने हमारे हक में फैसला कर दिया तो हम उस दिन उस पार्टी में शामिल हो गए, अपने आप शामिल हुए हैं। सोम प्रकाश जी मेरे पास बैठे हैं, ये मेरे जलंधर शहर में डीसी रहे हैं, जब मैं पहली बार एमएलए बनाया इन्होंने मेरे को बनवाया डीसी के, आप में बहुत खुश होता है। फिर साहब ने उस दिन काम किया जब आतंकवाद में कोई आदमी काम नहीं करता था। डीडीपी बनना बहुत आसान है, पर डीडीपी बन के सेवा करनी, इनके ऊपर अटैक भी हुआ, इनको गोली भी लगी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आई। हमारा भाई भी साथ में था उस टाइम इनके साथ, ये बहादुरी की बात है, बहादुरी की बातें कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग इस पार्टी में आएंगे कि आप लोग एकदम समझोगे कि ऐसे सक्सेस होती है। मैं तब बोल रहा हूं, बहुत से लोग हमें बीख रहे थे कि तुम जा रहे हो कि नहीं जा रहे, आप भी मेरे को 100 टेलीफोन यहां पर आ गया। तो मैं इनसे मिला था चंडीगढ़, सारी इनकी कार्यकारिणी थी, सारे पंजाब के लीडर थे, और जो मान इन्होंने दिया वो मान हम भूल नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास पिछली बारी कैंट का था, आगे भी मेरे पास वही रहना है, पर लेकिन जो पार्टी कहेगी वो करके दिखाएंगे। इतना काम करेंगे कि पंजाब में परिवर्तन आएगा, किसान को इतना प्यार दिलाएंगे, छोटी छोटी बात इनके पास पहुंचाएंगे तो कभी बखेड़ा नहीं पड़ेगा। देखो ना, विधानसभा में सबने वहां पे कह के यस कर दी दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों ने, और बाद में सेंटर के गले में डाल दिया। और कौन बोले, कौन घंटी बजावे, कोई नहीं बजा सकता। पर प्यारे वीरो, मेनू तो बड़ा जोश आया इस पार्टी जाके, मेरे विरक साहब की गल बड़ी पसंद आई है कि वे हाथ खड़े करा के क्या जमे तगड़े कमांडर तगड़े करी जा, उस तरीके ने कहा अज अचानक प्रोग्राम बनिया। वैसे तो सिकावत साहब ने मेरा वायदा किया कि असी सारे लीडर तेरे हल्के जावांगे, वड्डी रैली करावांगे, उधर शामिल करांगे, पर लेकिन अज इहदा हुक्म हो गया। असी हुक्म मैं दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बंदा कि आवे ना जी फिर बन जाए, पर असी पार्टी के इदा के बन गए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर अगे उत्ते काम करते ने, असी ऐसी शाख बनांगे, क्योंकि मेरा जिला भावे जलंधर है, काजीरा साहब बैठे ने, इन्हां दे फादर ने एमएलएशिप श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारी उम्र साडे अकाली दल नाल लगाई, पट्टी साहब बैठे ने, इदां दे पतवंते सज्जन बैठे ने जिन्हां ने बहुत सारा समा पंजाब के पंजाबी वास्ते लाया, देश वास्ते लाया, देश भगत ने, आप देश भगती का सबूत देना है। मैं तुहाडे सारे अज वायदा करदा कि तुसी सरबजीत सिंह का नाम जिवें अकाली दल च सुनदे सी, क्योंकि मैं पार्टी का जनरल सकत्तर हाँ, मैं फेक जनरल सकत्तर नहीं रहा, मैं डट के काम किया, पार्टी च किसी ने गलत काम किया तो विधानसभा उठ के भी उन्होंने पंगा लिया, गलत कर रहे, झूठ मार रहे, यहोजे बंदे लोग घट पसंद करते हैं, पर लेकिन सच्चाई का पहरा, सिखी का पहरा, भारतीय जनता पार्टी का पहरा, बहुजन समाज पार्टी का पहरा बहुत वधिया तरीके देवांगे। मैं इस गल का वायदा करदा, यकीन दवाना इस रब ने सानू ये रस्ता दिखाया। बहुत सारे मेरे पतवंते वीर जिन्हें अज शामिल हुए ने, मेरा ख्याल इस तो चार चार गुणा रोज इतने आया करेंगे,
जो मेनू लग रहा है गल खुलनी सी दरवाजा खुलना सी लोगों ने आना सी वेखो इत बारी नहीं आनी पार्टी पंजाब दे विच सक्सेस लवेगी अपनी सरकार बनावेगी ये अज मैं तुहानू कह के जाना कई लोग सोचते ने कई सीटा ते लड़दी सी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर बहुजन समाज पार्टी सॉरी जी बहुजन तां निकल गया कि मैं अकाली दल चो आया भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी हैगी ए कई सीटा ते लड़दी सी पर सारे पंजाब का दुख दर्द सेंटर मोदी साहब ने समझा आने वाले समय समझे।